कृष्णा तुम ठीक तो? कृष्णा निर्मल मुझे माफ कर दो। कृष्णा कृष्णा हेलो, क्या हुआ? क्यों चिख रही है? दीदी हमारे घर के पास मेन रोड के पास एक मर्डर। मर्डर? किसका मर्डर? तूने देखा? पलो? क्या हुआ पलोमा? दीदी सपने में मैंने देखा एक औरत का मर्डर, एक बाइक पे आदमी। किसका मर्डर बाबू? फिर से तूने सपना देखा? चुप हो जा, चुप। तूने सिर्फ सपना देखा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा ही होगा दीदी, वो उसे मार देगा, पुलिस। अरे कर क्या रही है ये? अरे तू पागल है? पुलिस को फोन करने जा रही? कौन तेरे यकीन करेगा, पागल समझेंगे लोग। आखिर ये हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारी बहन ने किसी के मरने का सपना देखा और उस वजह से ये पुलिस को फोन कर रही है? केवल ये क्योंकि मेरे सपने सच होते हैं, मैं आने वाला कल देख सकती। क्या बकवास है ये, आने वाला कल? केवल यार ज्योतिष हो? केवल वो जो भी सपने देखती है ना वो सच होते हैं। अब तुम भी शुरू हो गई। प्लीज रात के 2 बजने वाले और कल सुबह मुझे ऑफिस जाना है। और प्लीज ये टीवी पर क्राइम शोज देखना बंद करो, ये उसी का असर है। काश मेरे सपने भी सच होते, अपसेट लाइफ सेट हो जाती। हेलो चुप हो जा बाबू। दीदी वो लोग उसे मार देंगे, आज रात ही, कल सुबह होने से पहले SG रोड के क्रॉसिंग पर। दीदी नहीं बल्लू, मारने वाले का नाम क्या था? थानी है दीदी, औरत अब तक जिंदा है, आज रात को उसे मार देगा। बल्लू बल्लू पहले कृष्णा, कृष्णा है उसका नाम। बल्लू ऐसा कुछ नहीं होगा, देख तूने सिर्फ सपना देखा है, ऐसा कुछ नहीं। चुप हो जा, ऐसा कुछ नहीं। हद करती हो त्रिशा तुम भी, हमेशा रास्ता भुला देती हो यार। अब हम फिर से रास्ता भूल गए, we are lost। तो हो गई गलती, इतना भड़क क्यों रहे हो? किसी से पूछ क्यों नहीं लेते सही रास्ता? रात के 3 बजे मैं गाड़ी से उतर कर किसी से पूछूं? मेरी समझ में नहीं आता कि तुम्हें इतना पार्टी का शौक क्यों है। मैंने बार बार मना किया कि मुझे नहीं जाना नहीं जाना, फिर भी तुम पार्टी पार्टी पार्टी। कृष्णा कृष्णा रुको, पागल हो गई हो तुम? तुम घर जाओ, मैं खुद से चली जाऊंगी। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम मुझसे इतना इरिटेटेड क्यों रहती हो? क्योंकि मैं तंग आ चुकी हूँ निर्मल। किससे? तुमसे, इस रिश्ते से, खत्म कर देना चाहती हूँ। तुम्हारे बारे में तलवार जो मुझसे कह रहा था वो सही है, तुम और वो। खैर मेरी एक बात याद रखना, मेरे जीते जी तुम वैसा कुछ नहीं कर पाओगी। तलवार को कैसे पता? उसे कैसे पता? तुम ठीक तो? कृष्णा निर्मल मुझे माफ कर दो। कृष्णा कृष्णा जॉयदीप, 1 महीने बाद इंडिया साउथ अफ्रीका सीरीज शुरू होने वाली है, जहां सबकी नजर बस आपकी 100 सेंचुरी पर होगी। तो कैसा फील कर रहे हैं आप? टेंस, नर्वस, एक्साइटेड? कुछ मिला क्या? ओह ऑफ कोर्स, हमारी विशेष तो हमेशा आपके साथ हैं। वैसे पूरा देश आपके इस 100 को देखकर खुश हो जाएगा, एक आदमी को छोड़कर, एक्स क्रिकेटर रंजन सिन्हा, जिनके 99 सेंचुरीज का रिकॉर्ड आप तोड़ने जा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, इनफैक्ट उन्होंने तो खुद ही मुझे फोन करके विश किया है, और वो इस बात से तो बहुत ही ज्यादा खुश है कि एक इंडियन ही एक इंडियन का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है। ओह दैट्स रियली गुड टू हियर। वैसे जॉयदीप, हमने सुना है मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर निर्मल रायजादा और उनकी वाइफ तृष्णा रायजादा और आप। आई एम सॉरी मैम, बट नो पर्सनल क्वेश्चंस। लेकिन प्लीज
मिस्टर जोयदीप, हम सॉरी लेकिन आपको हमारे साथ चलना होगा। कहाँ? मिसेस तृष्णा रायजादा के खून के लिए आपको गिरफ्तार किया जाता है। क्या? आज की दिल दहलाने वाली खबर में भारत के महत्वपूर्ण और लोकप्रिय क्रिकेट खिलाड़ी जयदीप सेन को पुलिस ने सोशलाइट तृष्णा रायजादा के कत्ल में गिरफ्तार कर लिया है और ये सनसनीखेज घटना घटी भारत के साउथ अफ्रीका टूर के कुछ ही दिन पहले, जहां पर जयदीप अपना 100वां दशक बनाने जा ही रहे थे। आई डोंट बिलीव इट सर, 100 100। इतने बड़े माइलस्टोन से पहले जयदीप किसी का मर्डर करके अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारेगा? वो तो नहीं मारेगा, लेकिन हो सकता है कि किसी और ने उसके पैरों पर कुल्हाड़ी मारी हो। कोई और व्यक्ति जो नहीं चाहता कि वो ये रिकॉर्ड कायम करे। सो यू मीन एक्स इंडियन क्रिकेट कैप्टन राजन सिन्हा, उसी का रिकॉर्ड टूटने वाला था। और किसी को क्या नुकसान इस रिकॉर्ड से? पर उन क्रिकेट का ये जो खेल है, ये जितना मैदान पर खेला जाता है उससे अधिक मैदान के बाहर खेला जाता है। इट्स डर्टियर देन पॉलिटिक्स। मिस्टर केरी, मिस्टर ब्रूस डिकिंसन, कोच ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम, आइए। नाइस टू मीट यू। आइए बैठिए। हाय। कहिए मिस्टर डिकिंसन। मुझे यहां देखकर तुम समाज का यह हो गया। व्हाई आई एम हियर? Joy is innocent. Tu me batao. Itna high profile or talented cricketer. Kya aise murder kar sakte hain? Mr. Dickinson, hone ko to kuch bhi ho sakta hai. Waise bhi, in a murder, hatya karne ke liye, talent aur profile nahi dekha jata. Sirf intention, mansha, niyat dekhi jati hai. जो भी हो, आप स्वयं यहां आए तो मुझे जाना पड़ेगा जॉय से मिलने। एसबी रोड की क्रॉसिंग पर एक बाइक वाले ने आकर कृष्णा रायजादा पर, तुमने जो कहा वैसा ही हुआ। आखिर ये ऐसे हो कैसे सकता है? जब ये 11 साल की थी तब इसने पहली बार सपना देखा था कि मैं साइकिल से गिर गई और मेरा दाहिना हाथ टूट गया। उस समय तो घर वालों ने और मैंने भी इसे डांट कर चुप करा दिया, पर नेक्स्ट डे वैसा ही हुआ। केवल मैं साइकिल से गिरी और मेरा दाहिना हाथ टूटा। तब से न जाने इसने कितनी बार सोते जागते ऐसे अजीब अजीब सी घटनाएं देखी जो बहुत जल्द सच हुआ। कई बार तो मैंने किसी को चोट लगते हुए, तो कभी किसी के बीच लड़ाई, हर वक्त पूरा देखती थी। ये सब तुमने बताया नहीं मुझे रुचिका। क्या बताती? मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरी बहन का मजाक उड़ाओ या इसे पागल समझो। दीदी, लेकिन ये मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है? पहले तक तो ठीक था, जहां मैं किसी को चोट लगते हुए, किसी की लड़ाई होते हुए देखती थी, लेकिन अब तो मैंने किसी की मौत होते हुए देखी है। दीदी, मैंने आपसे पहले ही कहा था हम चलकर पुलिस को सब कुछ बता देते हैं। अगर हम बता देते तो औरत बच जाती। दीदी, औरत बच जाती। आई लव्ड हर, प्यार करता था मैं उससे, शादी करना चाहता था मैं उससे, उस कमीने निर्मल रायजादा के चंगुल से छुड़ाना चाहता था मैं उसे। आपको पता है वो कितने जुल्म करता था, उस पे मारता था वो उसे। वो खुद एक विक्टिम थी और मैं उसकी जान लूंगा, अपने प्यार को मारूंगा मैं। जब सबूत बोलते हैं तो ये नहीं देखते कि सामने कोई आम मनुष्य है या इतना प्रसिद्ध क्रिकेटर खिलाड़ी। दुर्भाग्यवश इस समय हर सबूत तुम्हारे विरुद्ध बोल रहा है। पर सर, मैं अपना करियर, अपनी पोजीशन, ये सब रिस्क पे लेके क्यों किसी को मारूंगा सर? मैं ऐसा क्यों करूंगा? किंतु पुलिस का ये कहना है कि तुम रायजादा को मारने वहां गए थे और भूल से गोली तृष्णा को लगी। सर, आप मेरी बात का यकीन मानिए, आप चाहे तो जो कसम खिलवा दीजिए सर, मैंने नहीं किया, मैं उस वक्त वहां था ही नहीं। आई डिडंट किल सर, मैंने उसे नहीं मारा है। तुम वहां थे नहीं, तुमने तृष्णा की हत्या नहीं की, लेकिन किसी न किसी ने तो की है और
किसी ने वो घटना देखी भी होगी, कोई तो चश्मदीद गवाह होगा, नहीं? पल्लू, पल्लू, ये क्या है? कपड़े क्यों पैक कर रही है? कहाँ जा रही है? घर जा रही हूँ वापस, दिल्ली। Are you alright? तेरी पढ़ाई का क्या होगा? दीदी मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा है यहाँ, और उस हादसे के बाद तो पता नहीं। पल्लू कैसी बातें करती, क्यों ऐसा सोच रही है? अभी तूने ही कहा ना कि हादसा, उस हादसे को हादसा समझकर भूल जा, और इन सारी बातों के लिए तुझे खुद को जिम्मेदार मानने की जरूरत नहीं। देख पल्लू, जो होना था वो हो गया, उसके लिए तुझे अपने आप को जिम्मेदार ठहराने की जरूरत नहीं। एक काम कर, इस बैग को जहां से उठाया था ना वहीं रख दे, हम लोग बगल वाले मॉल में जाकर शॉपिंग करते हैं। चेकर कह रहे जीजू की जेब ढीली करते, ये कपड़े रख दे, मैं आती हूँ। मैं सोच रही थी ना, मैं तेरी वो वाली घड़ी, क्या हुआ ऐसे क्यों खड़ी? दीदी जॉयदीप सेन का कोर्ट केस कहां लड़ा जा रहा है? क्यों? योर ऑनर, आज पहली बार मैं आई एम जायसवाल इस अदालत में कन्फेशन करना चाहता हूं। दरअसल योर ऑनर, मैं ये केस लड़ना ही नहीं चाहता था, क्योंकि मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर हूं, मेरी ड्यूटी है, तो मैं यहां आ तो गया हूं, लेकिन मैं खुद चाहता हूं कि मैं ये केस हार जाऊं और किसी तरह पाठक साहब ये साबित कर दे कि जॉयदीप सेन बेकसूर है। योर ऑनर, सर झुकाकर मैं ये हार स्वीकार करूंगा। सर बहुत खुशी होगी आज हारने में, आई मीन इट, और जॉयदीप सेन आजाद। रोनर, अगले महीने अफ्रीका की टूर पे जाएंगे, साउथ अफ्रीका की टूर पे जाएंगे, एंड मच अवेटेड 100 मारेंगे, जिसकी सबसे ज्यादा राह तो मैं देख रहा हूं सर। जॉय, कैन यू गिव मी योर हैंड? आपको पता नहीं मैं आपका कितना बड़ा फैन हूं। बिलीव मी, अगर मेरे पिताजी ने बचपन में मुझे क्रिकेट खेलने से रोका ना होता ना, तो आज मैं भी बहुत बड़ा क्रिकेटर होता, आप ही की तरह, लॉयर नहीं। मिस्टर जायसवाल, प्लीज कम टू द पॉइंट, ये अदालत है, कोई फैन क्लब की मीटिंग नहीं। यही तो गम है सर, कि चाहते हुए भी मैं अपने क्रिकेटिंग भगवान की मदद नहीं कर सकता, आई एम सो सॉरी। क्योंकि योर ऑनर, चाहत और हकीकत में बहुत अंतर होता है, पर गंभीर हकीकत तो ये है माय डियर जॉय, कि आपको लाइफ में जितना एंजॉय करना था आप कर चुके, अब आप एंजॉय नहीं रिपेंट करेंगे, अब आप साउथ अफ्रीका की टूर पे नहीं फांसी की टूर पे जाएंगे, और सिर्फ 10 मिनट में मैं यह साबित कर दूंगा कि आप गुनहगार हैं, सजाए मौत, गेम ओवर। कैसी लगी मेरी ये गुगली? नहीं, इसका जवाब शायद आपके पास नहीं होगा, लेकिन मेरे अगले सवाल का जवाब शायद आप दे सकेंगे। मिसेस रायजादा और आपके बीच में, मतलब जो लव अफेयर चल रहा था, ऐसा कुछ सुनने में आया है? देखिए, हम लोग सिर्फ दोस्त थे और कुछ भी नहीं, जस्ट गुड फ्रेंड्स। आई मीन, ओके योर ऑनर, आई एडमिट, वी लव ईच अदर, बट हम लोग बहुत जल्दी शादी भी करने वाले थे, एंड यू नो, आई मीन, हिंदी माफ कीजिएगा, लेकिन हो सके तो कृपया करके हिंदी में वार्तालाप कीजिए, और शुद्ध हिंदी हो तो बेहतर होगा, क्योंकि हमारे जो सीनियर है केडी पाठक साहब, उनके सामने और दूसरी कोई भी भाषा का प्रयोग करना उचित नहीं होगा। सही फरमाया मैंने बचाओ पक्ष महोदय, हिंदी। देखिए, मैं उस रात SG रोड पर था ही नहीं। कौन से रोड पे थे? मतलब कहां थे?
अरे मैं तो अपने मैं अपने कोच ब्रूस सर के घर पे था। क्या कर रहे थे? मैं अपनी आने वाली जो सीरीज है उसकी स्ट्रेटेजी प्लान कर रहा है। आपके पास? हाँ, ब्रूस सर खुद है और वहां पर मेरे आने से पहले एक और आदमी बैठा था सर। नाम? उसका नाम सर नीलम शर्मा उसका नाम था सर। नीलम शर्मा? श्योर जी, वो तो यहाँ अदालत में है नहीं। खैर फिर बुला लेंगे उसको। लेकिन ब्रूस सर, तो बताइए ब्रूस सर, आपने आज तक इतनी कामयाबी से भारतीय क्रिकेट टीम को मार्गदर्शन गाइडेंस दी है, तो आई रिक्वेस्ट कि आज मुझे भी आप गाइडेंस दीजिए ताकि रिकॉर्ड टाइम में मैं ये केस सॉल्व कर सकूं। बताइए। मैं किसी नीलम शर्मा को नहीं जानता। उस रात जल्दी सो गया था। I had a bad backache. I don't know what Joe is saying. उस रात वो मेरा घर पर नहीं था। सर आप, मिस्टर डिकिंसन, ये क्या कह रहे हैं? आपने स्वयं अपने बयान में कहा है कि उस रात जॉय आपके घर पे था। आप अदालत में अपना बयान बदल रहे हैं। लुक, जॉय मेरे सन की तरह है, लेकिन इसके ये मतलब नहीं कि इसकी गलती पर पार डालूंगा। उस रात वो मेरा साथ नहीं था। पीरियड। विचलित क्यों हो रहे हैं पाठक साहब? ठीक है चिल्पी बिराजी, खैर मैं बता देता हूं आपको। उस दिन जॉय सेन जी एसजी रोड पर ही थे, बाइक पर, हाथ में गन लिए। जहां इनका इरादा तो था योर ऑनर, उनके प्यार के दुश्मन मिस्टर रायजादा को मारने का, लेकिन अफसोस निशाना चूक गए। प्रैक्टिस नहीं थी ना, क्रिकेट के मैदान में तो बहुत प्रैक्टिस थी, गन चलाने की प्रैक्टिस नहीं थी, इसलिए निशाना चूक गए और मर गई उनकी प्रेमिका मिसेस रायजादा। ये जो काल्पनिक कहानी आपने सुनाई कि वो बाइकर जॉय था और वो मिस्टर रायजादा की हत्या करना चाह रहा था तृष्णा की नहीं, इस कहानी का कोई प्रमाण है आपके पास या यूं ही हवा में तीर चला रहे हैं? ये क्या होता है, हां या ना होता है, ये क्या होता है मिस्टर आई एम जायसवाल, है या नहीं प्रमाण? नहीं, इसका मतलब भी मैं आपको समझाऊंगा और प्रमाण भी आपको बताऊंगा। इसका इरादा मुझे मारने का था और इसके इस नापाक इरादे में मेरी वाइफ तृष्णा भी शामिल थी। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। मतलब आपकी वाइफ और ये, मतलब दोनों ने मिलकर प्लान? दोनों ने मिलकर मुझे मारने की कोशिश की। ये आप कैसे कह सकते हैं मिस्टर रायजादा? किस बिना पर कह रहे हैं आप? उस रात मैं और तृष्णा एक फिल्म प्रीमियर से लौट रहे थे, अचानक मुझसे तृष्णा कहने लगी कि उसे किसी फ्रेंड की पार्टी में जाना है। मैंने उसकी बात मान ली, मैंने गाड़ी मोड़ी, लेकिन सडनली मैंने रियलाइज किया कि वो मुझे किसी एक अनजान राह पे ले आई है जहां दूर दूर तक कोई नहीं था। और जैसे ही मैंने गाड़ी रोकी, वो गाड़ी से उतरकर चलने लगी। शायद वो चाहती थी कि मैं भी उसके पीछे आऊं, क्योंकि एक संकेत था इस जॉय के लिए, क्योंकि जैसे ही मैं उतरा, इसने पीछे से आकर मुझ पर वार कर दिया। जज साहब, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये सारी साजिश, ये सारा षड्यंत्र मेरी वाइफ तृष्णा का था, क्योंकि मरने से पहले उसने मुझसे कहा था, निर्मल मुझे माफ कर दो। इन दोनों का प्लान शायद सफल हो जाता, मगर मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया। मैं बच गया क्योंकि इसकी गन अटक गई और गोली नहीं चली। हम दोनों की हाथापाई हुई और इस हाथापाई में इसका ब्रेसलेट मेरे हाथ में आ गया। क्या ये वही ब्रेसलेट? जी हाँ, ये वही ब्रेसलेट है। ये ब्रेसलेट आपका है? मेरे पास ऐसी कई ब्रेसलेट्स हैं। मैं पूछ नहीं रहा, बता रहा हूं।
ये ब्रेसलेट आप ही का है, क्योंकि इस ब्रेसलेट के नीचे जो मोहर है वो आपके परमानेंट ज्वेलर की है, धनपत राम जोधवाल। और ये क्या है? क्या है? नहीं कुछ नहीं है प्रोसिक्यूटर साहब, आप कलम का प्रयोग करते हैं? पेन? पब्लिक प्रोसिक्यूटर हूँ ना मैं, तो इस्तेमाल करते ही हूँ। तो फिर क्यों पूछ रहे? कौन सी कंपनी का? क्यों अभी जानना है? हाँ बता देंगे तो बड़ी कृपा होगी। टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप, वो कंपनी होगी शायद। अरे योर ऑनर, ये कलम तो मेरी है, क्योंकि इस पूरे विश्व में इस कंपनी का कलम केवल मैं ही प्रयोग करता हूँ और कोई नहीं। मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाहते हैं पाठक साहब, लेकिन ये ब्रेसलेट इसी का है। हाँ ये पेन मेरा है, चोरी किया है आपने। इसका मुकदमा बाद में लड़ेंगे हम, फिलहाल ये मुकदमा खत्म करें। वही लोग और वो रहा वो पंखा। अलो तुझे पूरा यकीन है ना? देख अगर कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो हम लोग बेवजह मुसीबत में फंस जाएंगे। आपको पूरा विश्वास था कि आपकी पत्नी आपको मरवाने के लिए, आपकी हत्या करवाने के लिए जॉय के हाथों आपको वहां लेकर गई थी। जी हाँ, मुझे इन लोगों के प्लान के बारे में पहले से ही पता था कि मेरे दोस्त और मेरे बिजनेस पार्टनर मिस्टर जयेश तलवार ने मुझे पहले से ही बता दिया था। मेरा नाम जयेश तलवार है, निर्मल की फार्मास्यूटिकल कंपनी में मैं 50% का पार्टनर हूँ। अभी चार रोज पहले एस वाई कुलकर्णी स्टेडियम गया हुआ था, वहाँ पर मैंने तृष्णा भाभी को देखा। तृष्णा भाभी जॉयदीप से बातें कर रही थी। जब मैं जॉयदीप के पास उसका ऑटोग्राफ लेने गया तब मैंने देखा। देखो निर्मल से तो मैं नो जॉय, निर्मल का बस एक ही इलाज है, हमने जो सोचा है करना है। अरे तुम एक बार रात को वो मुझे अपने दोस्त की फिल्म की प्रीमियर पर लेके जा रहा है और मैं वापसी में उसे तुम्हारे घर के पास लेकर आऊंगी और तुम वहाँ आकर। लेकिन देखो तुम समझ नहीं रही हो, तुम एक बार ठंडे दिमाग से सोच। मैंने सोच लिया है, अब तुम सोचो क्या तुम्हें मेरा साथ देना है या नहीं। ऑब्वियसली मैं भी ऑटोग्राफ्स। कृष्णा भाभी आप यहाँ? पहले तो मैं कुछ समझ ही नहीं पाया, लेकिन काश समझ जाता तो अच्छा होता। दरअसल ये दोनों मेरे दोस्त निर्मल को मार डालने की प्लानिंग कर रहे थे। मैंने निर्मल को कई बार इन्फॉर्म भी किया लेकिन उसको मेरी बात पर भरोसा नहीं हुआ। मैंने कहा था ना वो औरत तुझे शुरू से बेवकूफ बना रही थी। जॉय दादा, मिस्टर तलवार के वार के बारे में आने, मिस्टर तलवार के कहे सुने के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए वो सच कह रहे। लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं और तृष्णा जी इनका मर्डर डिस्कस कर रहे थे, लेकिन बात बिल्कुल ऐसी नहीं है। देखिए बात तो सिर्फ इतनी है कि मैं और तृष्णा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और हम दोनों शादी करना चाहते थे, इसलिए हम सिर्फ इन्हें मिलकर इन्हें बताना चाहते थे कि बेहतर होगा अगर ये उन्हें डिवोर्स दे दे। बस इतनी सी बात थी सर। कमाल बेवकूफ बना रहे हैं। Sorry not to be a funny kid. जॉय दादा, ये आपका क्रिकेट का मैदान नहीं जहाँ पे बाउंसर बॉल आया और आपने हुक करके ही सिक्स मार दिया। कमाल का शॉट खेलते हैं आप, लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे वो शॉट पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी क्लीन बोल्ड हो चुके हैं। आपने और तृष्णा ने मिलके जो साजिश रची थी वो उसका पर्दाफाश हो गया है, गलती से वो मर गई और फंस गए आप। दीदी जब वो फैन गिरता है तब वो आदमी उस कटघरे में खड़ा था और अब वो प्रोसिक्यूटर टेबल पे रखे उस ग्लास में पानी पीने आते हैं। खेड़ी पाठक की पेन गिरती है और फिर वो फैन। मुझे इन सबको रोकना होगा प्लीज। लेकिन कैसे रोकेंगे, इतने लोग हैं। दिस इज अ जोक योर ऑनर, केवल मिस्टर तलवार के।
I'm sorry, Your Honor. हाँ जाइए सर्वर अपंगा। मैडम आप अदालत की कार्रवाई में बाधा डाल रही हैं। बैठ जाइए आप। I'm sorry, sir. लेकिन अगर मिस्टर पाठक वहां से नहीं हटे तो पंगा गिरेगा। सर मेरा नाम पलुमा दीक्षित है। मैं यहाँ कुछ ही महीने पहले दिल्ली से आई हूँ अपनी दीदी के घर अपने एमबीए का कोर्स पूरा करने के लिए। सर बचपन से ही मेरे साथ अजीब सी घटनाएं होती है जहाँ मुझे आने वाली मुझे होने वाली अनहोनियां पहले से दिख जाती है। होते जागते सपनों में हर वक्त सर हर वक्त। आज सुबह ही मैंने पंखे का गिरना देखा था। मुझसे रहा नहीं गया इसलिए मैं यहाँ आपको आगाह करने आ गई सर। साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। ये आप क्या कह रही हैं मिस पलोमा? आपको पहले से पता था कि ये पंखा गिरने वाला है? यही नहीं सर, मुझे तो ये भी पता था कि तृष्णा जी का खून होने वाला है। मुझे पहले से ही पता था, मैंने अपने सपने में ये सब देख लिया था सर। Silence in the court, please. Miss Paloma, आपको पता है आप क्या कह रही हैं? अदालत में आकर इस तरह का बयान देना आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। न्यायाधीश साहब आपसे ये पूछ रहे हैं पलोमा जी कि क्या कहना चाह रही हैं? आपने ये इस हत्या को होते हुए हत्या होने से पहले हत्या को होते हुए देखा था सपने में, क्या कहना चाह रही हैं आप? मेरा यकीन नहीं करेंगे सर, लेकिन आप चाहे तो मेरी दीदी और जीजाजी से भी पूछ सकते हैं। मैंने इस कत्ल की हर एक डिटेल उनसे कही थी, पहले से ही ये सब बता दिया था मैंने उन्हें। पर उनसे बात करने का क्या फायदा, पुलिस को क्यों नहीं बताया? सर मैंने नंबर भी डायल किया था लेकिन मेरी दीदी ने मुझे रोक लिया, कहा कि यहाँ मेरी बात पर कोई नहीं यकीन करेगा सर, कोई नहीं। कमाल है। कहाँ है आपकी दीदी? कहाँ है? आइए दीदी है आपके, मतलब बताने से पहले रो। चलो ठीक है वो तो समझे, लेकिन आपने तो कातिल को देखा ही होगा, अगर कत्ल होने का अगर आपने सपना देखा था तो बता दीजिए जल्दी, टाइम नहीं। जी नहीं, मैंने कातिल का चेहरा नहीं देखा क्योंकि उसने एक नकाब पहना था। ये तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है योर ऑनर, मतलब आपने सपना और लंबा क्यों नहीं देखा? चेहरा देखने से पहले ही चैनल चेंज कर दिया सोनी से, सब क्यों? लेकिन मुझे बस इतना याद है कि उसके दाहिने पैर में एक पुरानी चोट का निशान है। दाहिने पैर? हाँ। चोट यहाँ? जी हाँ। गले में कुछ ताबीज, जैसे घोड़े का ऐसे करने वाला, जैसे अमिताभ जी को दिखता था जंजीर फिल्म में। आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ ये सब? हाँ लग नहीं रहा, यकीन है? क्या लगता है आपको, आप फ्यूचर देख सकती हैं? सब लोग बेवकूफ हैं यहाँ पे। सब लोग नहीं जायसवाल, बस एक आधा। योर ऑनर लॉजिक पर आधारित एक साधारण सा प्रश्न, के पलोमा जी को कैसे पता चला कि ये पंखा मुझ पर गिरने वाला था? हाउ डिड शी नो? बेवकूफ तो आप हैं नहीं पाठक साहब, इट्स कॉमन सेंस, इट वाज अ लकी गेस। या तो फिर हो सकता है कि इन्होंने पहले से किसी को भेज के रखा हो, ये पंखे के स्क्रू ढीले कर दियो। लकी गेस, स्क्रू ढीला करवाया होगा, राइट right. इसमें इनका क्या लाभ जायसवाल साहब? अटेंशन सीकिंग सिंड्रोम, बीमारी, या तो फिर रियलिटी शो
आप देखते होंगे टीवी पे, जहाँ पे खास करके ऐसे यंगस्टर्स बहुत चर्चित होने के लिए ऐसा कुछ करते हैं जिससे लोगों का ध्यान, मीडिया का ध्यान, समाज का ध्यान उन पे जाए, अटेंशन सीकिंग एज आई सेड, और वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन सर मैं ऐसे क्यों करूंगी, मेरा क्या लेना देना इस केस से, यहाँ तक कि मैं यहाँ किसी को जानती तक नहीं। मैं तो यहाँ सिर्फ मिस्टर पाठक को बचाने आई थी। अब आप मेरी बातों पर यकीन करें या नहीं, ये आप पर है। यदि ऐसा ही है पुलमा जी, तो मैं आपका आभार मानता हूँ कि आपने हमारे सीनियर पाठक साहब को बचा लिया, वरना मैं केस किसके साथ लड़ता इसके बाद। थैंक यू सो मच, अब आप जा सकते हैं। नहीं, एक मिनट, योर ऑनर। नहीं पाठक साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्यों पाठक साहब, क्यों ऐसे लोग को आप बढ़ावा देना चाहते? सीरियसली स्पीकिंग, आई रिस्पेक्ट यू एज माई सीनियर एंड आई मीन इट सीरियसली। अगर ऐसे लोगों को बढ़ावा देंगे ये प्रमोशन और वॉट एवर, तो लोग तो यही समझेंगे कि हारते हुए केस को जीतने के लिए आप पैंतरेबाजी कर रहे हैं। कमिंग टू द केस, योर ऑनर, ब्रूस डिकिंसन, मिस्टर रायजादा और मिस्टर तलवार की गवाहियों से साबित हो चुका है, साफ साबित हो चुका है कि जॉयस एंड गुप्ता ने ही मिसेज रायजादा को मारा, गलती से ही सही, लेकिन मारा तो। और इस बात को झुठलाने के लिए डिफेंस के पास ना ही कोई सबूत है और ना ही कोई गवाह। You are helpless. नहीं, एक हेल्प हो सकती है आपकी। I take my words back. You can take help. Paloma. देखती है ना सपने वगैरह, पूछिए शायद ऐसा कोई सपना देखे जहां पे आप ये केस जीत सके। अदालत की कार्रवाई अगली सुनवाई तक मुलतवी की जाती है। इसका अर्थ ये हुआ कि बचपन से आप होने वाली घटनाओं को पहले ही देख लेती हैं, उनके घटने से पहले। क्षमा चाहता हूँ पूछने के लिए, कभी आपने डॉक्टर को बताया मनोवैज्ञानिक को? जी दिखाया हमने, पर कोई किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सका। सबके सब मेरी बातों को झुठलाते रहे, बस कहते रहे कि एक महज एक इत्तेफाक है। इत्तेफाक? बचपन से लेकर आज तक इतने सारे इत्तेफाक। रहने दीजिए केडी सर, पलमा को जितना भी मालूम था वो अदालत में बता चुकी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी बहन को और ज्यादा इस मामले में ना खींचा जाए। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन का मजाक बने। जी ठीक है, चलता हूँ। केडी सर जी, द ग्रेट केडी पाठक इन माय हाउस। सर प्लीज एक फोटो हो जाए। रुचिका जी, सर मेरी ट्रैवल एजेंसी की कंपनी है, और अगर आप कोई छुट्टी प्लान कर रहे हैं तो। छुट्टी? वो क्या होती है? Just joking. I'll let you know. Thank you. केडी सर। जी सर, पता नहीं पर मुझे ऐसा लगता है कि इस केस में मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ। इन केस यू नीड एनी हेल्प सर, प्लीज। डेफिनेटली, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। कौन सा टेम्पो? सर वो वहां से आएगा। वहां से? मैंने कहा था सर आपसे, मुझे अनहोनी घटनाएं पहले से दिखती हैं सर। इत्तेफाक सर, इट्स अ कोइंसिडेंस। हो सकता है वरुण नहीं भी। मुझे भी अचंबा हो रहा है कि गाड़ी आने से पहले उसे कैसे पता चल गया। अगर इस बात को भुला भी दे, फिर भी एक बात तो स्पष्ट है कि अदालत में पालोमा ने जो कथन दिया उसे सुनकर किसी ने पालोमा को मारने की मंशा बनाई।
क्योंकि अनजाने में पालोमा ने हत्यारे का चेहरा देख लिया था। इसका अर्थ ये भी होता है वरुण कि कृष्णा का असल हत्यारा अदालत में उपस्थित था। सब ये भी तो हो सकता है कि पालोमा आपके साथ खेल खेल रही हो। ये भी हो सकता है, पर मेरे साथ खेल खेल के उसे हासिल क्या होगा, क्या लाभ होगा? कुछ तो है उस लड़की की बातों में जो मुझे उस पर विश्वास दिलाती है। तो क्या सचमुच वो आने वाला कल देख सकती है? डोंट नो, होते हैं लोग ऐसे, पर फिलहाल हमें अपना आने वाला कल देखने की चेष्टा करनी चाहिए। कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है ये केस। वो नीलम का कुछ पता चला? नहीं सर, समय कोच डिकिंसन के पास गया था, ना इस नाम का कोई आदमी है और ना ही वो उसे जानते हैं, पर मैं भी पीछा नहीं छोड़ूंगा सर। ऐसा कैसे हो सकता है वरुण, हाउ इज इट पॉसिबल? खिरी से मैं पालोमा। सर मैं जानती हूँ तृष्णा रायजादा को किसने मारा सर। अच्छा? सर अभी अभी मैंने सपने में उस कातिल का चेहरा देखा सर, मैं जानती हूँ वो कौन है। कौन है? सर अभी नहीं, मैं कल आपको अदालत में बताऊंगी सर। क्यों अभी, फोन पे क्यों नहीं? सर प्लीज कल अदालत में आप मुझे कटघरे में बुलाना, मैं तभी आपको सब कुछ बता दूंगी सर। सर प्लीज पालोमा, बिना सबूत के। हेलो पालोमा, और अब योर ऑनर इसी बात पर रोशनी डालने के लिए मैं पालोमा को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहूंगा। योर ऑनर, पाठक साहब अदालत को कंफ्यूज कर रहे हैं। मतलब कल एक गाड़ी आने से पहले पालोमा ने उसे आते हुए देख लिया अपने मन में, नहीं अपने सपने में, व्हाटएवर। और आज आप चाहते हैं कि वो कटघरे में आके अपना बयान, किस लिए? क्या पालोमा मौका वारदात पे थी? नहीं। क्या उसका इस केस के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी संबंध है? नहीं। क्या उसके पास कोई भी ठोस सबूत है पाठक साहब? नो योर ऑनर। योर ऑनर, मैं ये नहीं कह रहा कि अदालत पालोमा का स्टेटमेंट, उसका कथन रिकॉर्ड करे। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि एक बार उसे सुन ले। हाँ जी, सुन लीजिए, और उसके बाद मेरी भी सुन लीजिएगा योर ऑनर, क्योंकि कल रात को मैंने भी एक सपना देखा था और उस सपने पंखा गिरा। पंखा? क्या पंखा? पंखा गिरा क्या? नहीं नहीं, पंखा कुछ देखा जो हुआ आपने कुछ देखा जो हुआ योर ऑनर? पालोमा ने देखा कि पंखा गिरा और पंखा गिरा। देखो गेडी, इसका कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है, और फिर अदालत ऐसी बातों को नहीं मानती। क्यों मानती? क्योंकि अगर अदालत ऐसी सब चीजों को मानने लगी तो इसका मतलब ये होगा कि अदालत अंधविश्वास को बढ़ावा दे रही है, और ना ही मैं और अदालत पाठक साहब ये मानते हैं कि कोई फ्यूचर देख सकता है। आप भले ना मानते हो, अदालत मानती? नहीं। योर ऑनर, सन 1969, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस भवरी देवी। भवरी देवी नामक महिला ने अदालत में यह कथन दिया था कि उन्होंने सपने में देखा कि उनका नंदोई शंकर चोर है। बाद में अदालत ने यह पाया यार कि वाकई चोर उनका नंदोई शंकर ही था। पुलिस ने गिरफ्तार किया उसे, अदालत ने उसे डंट दिया। मैं जानता हूं उस केस के बारे में, लेकिन उस केस में पुलिस को ठोस सबूत मिले थे शंकर के खिलाफ। हो सकता है यार कि अगर हम एक बार पालोमा को सुन ले, हमें भी इस केस में कोई ठोस सबूत प्राप्त हो। और इसी बात की पुष्टि करने के लिए योर ऑनर, मैं एक बार पालोमा को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। ठीक है किटी, आई विल अलाउ इट। मिस पालोमा, आप कटघरे में आइए प्लीज। योर ऑनर,
पलोमा ने कल रात मुझे फोन किया था। पलोमा जी, कृपया कर अदालत को बताइए कि कल रात आपने मुझे फोन क्यों किया था। जी, कल रात मुझे नींद में एक और सपना आया जहां मुझे उस हत्यारे का चेहरा साफ साफ दिखाई दिया था। सर, बताइए अदालत को पलोमा जी, कौन है हत्यारा, कौन है कातिल? पलोमा जी, डरिए मत, ये अदालत है। बताइए, क्या देखा आपने सपने में, कौन है हत्यारा? बोलिए पलोमा जी। Who's the killer? Joydeep. इसी ने मारा है कृष्णा राय दादा को। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.